तो टाटा आईपीएल 2024 का छठा महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा 25 मार्च 2024 मंडे को। अब ये महामुकाबला बेंगलुरु के एम चंदन स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। यहाँ पर लंबे लंबे छक्के और चौके देखने को मिलते हैं, एक हाई स्कोरिंग पिच के लिए जाना जाता है। तो यह मुकाबला काफी शानदार काफी जबरदस्त होगा, जहां एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है जिसने आईपीएल 2024 की शुरुआत काफी खराब तरीके से की है। अपने पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों इस टीम को 6 विकेट के अंतर से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस मैच में आरसीबी की टीम शानदार बाउंस बैक करना चाहेगी, जबरदस्त वापसी करके ये मुकाबला जीतकर अपने 2 अंक हासिल करना चाहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम है जिसने आईपीएल 2024 की शुरुआत एक शानदार जबरदस्त तरीके से की है। अपने पहले ही मैच में इस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को धूल चटाया था 4 विकेट के अंतर से। तो फिलहाल पंजाब किंग्स के हौसले काफी बुलंद होंगे, पंजाब किंग्स की टीम ये मैच भी शानदार तरीके से जीतना चाहेगी, अपना विनिंग मोमेंटम बरकरार रखना चाहेगी। आईपीएल 2024 की शुरुआत में भले ही आरसीबी का परफॉर्मेंस खराब रहा है, पंजाब किंग्स ने बेहतर शुरुआत की है, लेकिन पिछले 4 साल के आईपीएल में पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। पंजाब किंग्स की टीम पिछले 4 आईपीएल सीजन से एक बार भी प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई है। इस बार पंजाब किंग्स का सबसे बड़ा टारगेट यही होगा कि इस बार कम से कम अपनी जगह प्लेऑफ में बनाया जाए, उसके बाद आगे सोचेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है जो कि ये टीम काफी कंसिस्टेंट रही है। ये टीम पिछले 4 आईपीएल सीजन में से 3 बार प्लेऑफ में पहुंची है। तो इस बार भी आरसीबी प्लेऑफ में बनाना चाहेगी, ना सिर्फ प्लेऑफ बल्कि आईपीएल 2024 का खिताब भी जीतना चाहेगी, जैसे कि इससे पहले डब्ल्यूपीएल 2024 में आरसीबी की वुमेन्स टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच की, मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की आखिर किसका पलड़ा भारी है, इंजरी और टीम न्यूज, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या जीतेगी आरसीबी या फिर जीतेगी पंजाब किंग्स की टीम, जबकि क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कंबिनेशन इस मुकाबले में आईपीएल 2024 के मैच नंबर 6 में। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन की। तो यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चंदन स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर बल्लेबाजी करना काफी आसान रहता है, यहां की बाउंड्री थोड़ी शॉर्ट होती है, इस वजह से लंबे लंबे छक्के और चौके लगाना आसान रहता है। इस मैदान पर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं रहता है, तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स, इनकी खूब पिटाई होती है। तो इस मैदान पर अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 88 आईपीएल मैचेस खेले गए, जिसमें पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 37 मैचों में जीत मिली है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को यानी कि चेजिंग टीम को 47 मैचों में जीत मिली है और 4 मैचेस 9 रिजल्ट रहे। इस मैदान का सबसे हाईएस्ट स्कोर 263 रन है, जबकि इस मैदान का सबसे लोवेस्ट स्कोर 82 रन है। इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर चेज हुआ था 213 रन, इस मैदान का सबसे छोटा स्कोर जो डिफेंड हुआ था वो था 138 रन और इस मैदान का एवरेज स्कोर औसत स्कोर 180 रन है। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 31 आईपीएल मैचेस खेले गए, जिसमें से आरसीबी की टीम ने मात्र 14 ही आईपीएल मैचेस जीते हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ, और पंजाब किंग्स की टीम ने इन 31 मुकाबलों में से 17 मुकाबले जीते हैं। तो यहां पर पलड़ा साफ पंजाब किंग्स का भारी दिखाई दे रहा है। तो वहीं इन दोनों ही टीमों के बीच पिछले जो 5 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं, 5 भिड़ंत में पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है। जी हां, पिछले 5 मुकाबलों में से पंजाब किंग्स की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं और आरसीबी की टीम को मात्र 2 ही मैच में जीत मिली है पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो यहां पर भी पंजाब किंग्स थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है। तो आखिर इस पिच पर आरसीबी का क्या रिकॉर्ड है, कितने मैचेस जीते हैं, कितने मैचेस हारे, पंजाब किंग्स का क्या रिकॉर्ड है, जबकि इस मुकाबले के लिए क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, इस मुकाबले के मैच विन प्रेडिक्शन क्या है, कौन सी टीम यह मुकाबला जीतने वाली है, पूरी विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट की दुनिया से पैसे बनाना चाहते हैं, अपने महंगे महंगे शौक पूरे करने चाहते हैं, तो भी फटाफट प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब ये बंदा मैच से पहले बता देता है कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन सा सेशन बढ़िया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्रिडिक्शन 99% सटीक रहती है, इनके पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस आपके काफी काम आने वाला है। और अगर आप इस आईपीएल में टॉस, मैच, सेशन की जानकारी चाहते हैं, तो भी फटाफट प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही साथ इनका व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दे रहा हूं, तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देर मत करो, अभी फटाफट प्रिंस भाई को कॉन्टेक्ट करो और आप भी पैसे बनाना शुरू करो इनके फैंस की तरह। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आईपीएल 2024 का छठा महामुकाबला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा 25 मार्च 2024 को। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के लिए सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो आरसीबी की तरफ से एज ओपनर नंबर 1 पर किंग विराट कोहली होंगे, नंबर 2 पर फॉफ डुप्लेसिस कप्तान, जिनका
परफॉर्मेंस पंजाब विकिंग्स के खिलाफ हमेशा से ही काफी बेहतर रहा है। तो अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो आप फॉफ डब्ल्यूसी को इस मैच में कप्तान या फिर वाइस कैप्टन भी चूज कर सकते हैं। ये गजब का खिलाड़ी है और पंजाब किंग्स के खिलाफ स्पेशली इनके रिकॉर्ड्स काफी बेहतर हैं। जबकि नंबर तीन पर रजत पाटीदार होंगे जो फिलहाल खराब फॉर्म में चल रहे हैं। इस मैच में उम्मीद होगी कि अच्छी पारी खेलेंगे। नंबर चार पर होंगे बेहतरीन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और नंबर पांच पर होंगे कैमरन ग्रीन जबरदस्त ऑलराउंडर। नंबर छह पर अनुज रावत विकेट कीपर बैट्समैन, तो वही नंबर सात पर होंगे दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर आठ पर होंगे अल्जारी जोसेफ, हालांकि ऑप्शन लुकी फर्ग्यूसन का भी इस टीम के पास है। तो वही नंबर नौ पर होंगे मयंक डागर, बेहतरीन स्पिनर जो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो वही नंबर दस पर होंगे करण शर्मा, एक्सपीरियंस स्पिनर, ये भी हिटिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं लोअर ऑफ द ऑर्डर। बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज, युवा तेज गेंदबाज, जहां ये टीम अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी और गेंदबाजी के समय दिनेश कार्तिक की जगह पर ये टीम एज ए इंपैक्ट प्लेयर यश दयाल या फिर आकाशदीप, इनमें से किसी एक को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में शामिल करेगी। बात करें यहां पर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11, तो इस्लामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर कप्तान शिखर धवन होंगे, नंबर दो पर जॉनी बेयरस्टो और नंबर तीन पर प्रभ सिमरन सिंह होंगे, जबकि नंबर चार पर होंगे सैम करन बेहतरीन ऑलराउंडर, नंबर पांच पर जितेश शर्मा शानदार विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर, नंबर छह पर लियाम लिविंगस्टन शानदार हिटर बल्लेबाज फिनिशर जो कि एक ऑलराउंडर भी है, स्पिन गेंदबाजी भी करा लेते हैं। जबकि नंबर सात पर होंगे ससन सिंह, नंबर आठ पर हरप्रीत बरार और नंबर नौ पर हर्षल पटेल, जबकि नंबर दस पर कगिसुर अबादा और नंबर ग्यारह पर राहुल चेर। तो ये रही पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो। और एज ए इंपैक्ट प्लेयर नंबर 12 पर होंगे अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाज, जहां ये टीम अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो यही प्लेइंग 11 होगी। गेंदबाजी के समय प्रभ सिमरन सिंह की जगह पर अर्शदीप सिंह को लाएगी गेंदबाजी के समय, और अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो प्रभ सिमरन सिंह को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 से बाहर करके उनकी जगह पर अर्शदीप सिंह को खिलाएगी गेंदबाजी के समय। तो चलिए बात करते हैं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों टीमों के स्टेट रिकॉर्ड से एम चन्नास्वामी स्टेडियम पर। तो इस मैदान पर आरसीबी की टीम ने कुल 84 आईपीएल मैचेस खेले हैं। आरसीबी ने 49 मैचेस जीते हैं और 40 मैचों में हार मिली है और एक मुकाबला टाई हो गया था जिसे आरसीबी ने जीत लिया था और चार मैचेस नो रिजल्ट रहे। तो वही पंजाब किंग्स की टीम ने बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम पर कुल 12 आईपीएल मैचेस खेले हैं, 5 मैचों में जीत मिली है, 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। तो इस मुकाबले को लेकर तो हमारी प्रेडिक्शन यही है कि आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतने वाली है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैच में जीत सकती है। हालांकि आप पंजाब किंग्स की टीम को इस बार कम आंक नहीं सकते, पंजाब किंग्स की टीम ने काफी बेहतर खेल दिखाया, बेहतर टीम बनाई है आईपीएल 2024 के लिए और उन्होंने बढ़िया कॉम्बिनेशन सही रणनीति के साथ उतरे हैं आईपीएल 2024 में। आरसीबी की टीम अगर यह मुकाबला हारती है तो सिर्फ अपने खराब रणनीति, खराब प्लेइंग 11, खराब कॉम्बिनेशन की वजह से ही हारेगी।